हेलो स्टूडेंट्स दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ पे बात करेंगे हमारा केमिकल कैनेट्स का जो टॉपिक चल रहा था तो केमिकल कैनेटिक्स में कल हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था आज हम कुछ नई टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे आज जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हमारा रेट लॉ। क्या है हम क्या पढ़ेंगे आज रेट लॉ या इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे फिर फर्दर इसके आगे बात करते हैं तो रेट लॉ है क्या या रेट लॉ एक्सप्रेशन है क्या दिस इज़ अ मैथमेटिकल Mathematical expression which denotes the rate of reaction, which denotes the rate of reaction in terms of molar concentration. In terms of molar concentration of molar concentration of each reacting species with raise to some power which मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोक्योमेट्रिक कॉफिश मैट्रिक कॉफिशियंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो क्या हो गई हमारी डेफिनेशन रेट लो इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज विद रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी द सेम एज टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो रेट लो क्या बताएगा रेट लो आपको बताएगा रेट रिएक्शन ऑफ रेट बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा सॉरी कि आपको रेट लो क्या बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा किस टर्म में बताएगा ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जो भी रिएक्ट कर रही है उनकी मोलर कंसंट्रेशन की मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में बताएगा कुछ ना कुछ पावर होगी उससे हमें क्या पता चलेगा हमें उसकी रेट पता चलेगी जैसे एग्जांपल हम बात करें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है ये एक रिएक्शन है इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा रेट ऑफ ए रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा रेट लो के टर्म में बता रहा हूँ मैं रेट लो के टर्म में फॉर एग्जाम्पल ए की पावर वन एंड बी की पावर टू तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं रेट लो बोलते हैं ये हमें बताएगा कि इस रिएक्शन की रेट क्या है अब स्टूडेंट्स कल हमने ऐसी एक और चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ मास एक्शन सेम टू सेम ऐसी थी कुछ एक छोटा सा डिफरेंस था वो हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स देखना लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके रिएक्टिंग स्पीशीज़ की मोलर कंसनट्रेशन के इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लो लिखना चाहूँ इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लो लिखना चाहूँ सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना चाहूँ तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा रेट इनके जो कॉफिशेंट होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होना चाहिए ये होना चाहिए लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो अगर मैं बात करूं कि इस तरीके का होता है तो लो ऑफ मास एक्शन क्या बताता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बताता है रेट लो क्या बताता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बताता है तो ये क्या बात हुई दो चीज़ें एक ही चीज़ को कैसे बताती हैं तो समझना है इसको हम जो केमिकल कैनेटिक्स में बात करेंगे रिएक्शन की दो टाइप की रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे हम कौन कौन सी एक हम पढ़ेंगे सिंपल या फिर इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन और और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन कौन से होती है ऐसी रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि क्या होती है मोर देन वन स्टेप यानी कि मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है कंप्लीट इन मल्टी स्टेप तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किन के लिए अप्लाई होता है सिंपल रिएक्शन पे अप्लाई होता है जो कि क्या होती है वन स्टेप रिएक्शन होती है उनके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा बट हमारी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैं उन पर लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं अप्लाई होता क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कि इस किसपे अप्लाई करता है कि जो सिंपल रिएक्शन दिख रही है उस पर हमने क्या दिया रिएक्टिंग स्पीशीज की जो स्टोक्योमेटिक कोफिशेंट है उनको पावर में लिखा और रेट रिप्रेजेंट करती लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो बहुत सारे स्टेप में होती है और उनमें से कोई एक स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है अब चलो सिंपल रिएक्शन तो हमें पता चल जाएगा लो एक्शन से रिएक्शन लिखी देखेंगे उसे कर देंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इनको हम कैसे देखेंगे तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो रेट होती है वो ऑलवेज डिटरमाइंड की जाती है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट जो है वो थ्योरिकली आप बता ही नहीं सकते और सारा का सारा मैटर ही कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल होता है एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलती है कि, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स uh, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कितना है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है सारा का सारा मैटर कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल होता है तो होप्सो की समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या बताता है कि सिंपल रिएक्शन की रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखो ये एक इक्वेशन है एन टू ओ फाइव फोर एन ओ टू प्लस ओ टू ये एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी रेट लिखूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी रेट होगी एन टू ओ फाइव का स्क्वायर बट एक्चुअल में इसकी रेट क्या होती है इसकी रेट होती है के एन टू ओ फाइव ये एक्सपेरिमेंट से पता चलती है लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या कहता है ये होती है लेकिन ये इसकी रेट ऑफ़ रिएक्शन नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसकी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है इसका रेट लो क्या एक्सप्रेशन क्या, क्या होता है इस तरीके से तो सिंपली रेट लो एक्सप्रेशन है क्या हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है मैथमेटिकल टर्म्स में इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज अब उस ईच रिएक्टिंग स्पीशीज की कुछ पावर होती है अब वो जो पावर है वो आपकी स्टोक्योमेट्रिक ओफिशंट से मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती जस्ट ये क्या था रेट ऑफ सॉरी रेट लो था अब इसको आगे देखते हैं क्या क्या काम आता है रेट लो अब रेट लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक काम में आता है रेट लो जैसे यही रिएक्शन मैंने लिखी एन टू ओ फाइव वाली टू एन टू ओ फाइव चेंज टू फोर एन ओ टू प्लस ओ टू इसका अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट हमारे पास क्या आएगा रेट लो एक्सप्रेशन से एन टू ओ फाइव ये मैंने आपको बता दिया अब ये जो रेट लो है या रेट लो एक्सप्रेशन है इससे क्या क्या पता चलेगा सबसे पहले तो इससे हमें जानकारी मिलती है रिएक्शन के ऑर्डर की कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बहुत सारे ऑर्डर इस चैप्टर में पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर पढ़ेंगे इस तरीके से रिएक्शन की जानकारी मिलती है ऑर्डर की कि क्या है उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी मिलती है अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इस रेट लॉ से क्या मिलता है इस रेट लॉ से देखो हमें इस रेट कांस्टेंट की कल भी मैंने डिस्कस किया था रेट कांस्टेंट की भी जानकारी मिलती है रेट कांस्टेंट भी काफ़ी कुछ बताता है रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था ये मेजरमेंट होता है एक तरीके से किसका रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट ये भी होता है और रेट कॉन्स्टेंट से हमें ये जानकारी मिलती है डायरेक्टली भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें रेट लो एक्सप्रेशन से पता चलती हैं अब देखो रेट लो एक्सप्रेशन के बाद में एक टर्म मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम समझते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन अगर की बात करें द सम ऑफ द पावर्स द सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन रेट लो एक्सप्रेशन इन रेट लो एक्सप्रेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की रेट लो एक्सप्रेशन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं रिएक्शन का ऑर्डर कहते हैं जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी चेंज टू प्रोडक्ट इसके लिए रेट एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया रेट लो लिख दिया मैंने के ए की पावर ए बी की पावर बी और सी की पावर सी तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गया ये रेट एक्सप्रेशन आ गया रेट लो एक्सप्रेशन आ गया तो इसके लिए अगर मेरे को ऑर्डर लिखना पड़े ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा इनकी जो पावर्स है मोलर कंसनट्रेशन के ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन होता है जैसे फॉर ये कोई reaction है मान लीजिए टू ए प्लस थ्री बी चेंट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया रेट लो वो आया ए की पावर टू और बी की पावर वन तो यहां से अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा ए की पावर कितना है टू प्लस बी की पावर कितना है थ्री तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या हो सकता है जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिएक्शन पड़ेंगे हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो ये मैंने रिएक्शन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एन टू ओ फाइव चेज टू फोर एन ओ टू प्लस ओ टू अब इसमें रेट किसके बराबर थी मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है एन टू ओ फाइव अब एन टू ओ फाइव की पावर कितनी है वन दैट मीन इसका ऑर्डर एन कितना आ जाएगा वन तो ये कौन सी हो गई ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एक एग्जाम्पल ये होता है टू एन ओ टू चेंज टू टू एन ओ प्लस ओ टू इसके लिए अगर रेट एक्सप्रेशन लिखूं मैं तो हमारे पास आता है के एन ओ टू की पावर टू तो यहां पे क्या आ रहा है ऑर्डर एन की वैल्यू कितनी आ रही है ए की तो रिएक्टेंट है और उसकी पावर कितनी है टू तो ये क्या हो जाएगी एन एक फर्स्ट टू आ गया that means क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और अगर हम बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो एक रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती है टू एन ओ टू इसके लिए रेट एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है के एन की पावर टू और ओ टू तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा एक जो रिएक्टेंट है उसकी पावर टू है दूसरे रिएक्टेंट की पावर वन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा थर्ड तो ये क्या हो जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी एक और एग्जाम्पल देखो जैसे ये है हमारे पास टू एन एस थ्री चेंज टू एन टू प्लस थ्री एस टू यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एन एच थ्री की पावर जीरो यानी कि एनएच थ्री की, की कंसनट्रेशन जीरो का मतलब क्या है वन लिख सकता हूँ यहाँ दैट मींस रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही एन इक्व टू क्या हो जाएगा जीरो इससे हम क्या कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं गिवन इक्वेशन से रेट क्लो एक्सप्रेशन से अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्या क्वेश्चन बनता है जो हमारा रेट कॉन्सटेंट आ रहा है ये के इसकी यूनिट के रिगार्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इसकी यूनिट देखते हैं क्या हो सकती है रेट लॉ की सॉरी रेट जो हमारा कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट की बात करते हैं इसकी यूनिट क्या हो सकती है क्योंकि इसके रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चन आते हैं जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी मान लीजिए ए प्लस बी चेंज टू सी इसका रेट लू एक्सप्रेशन मैंने लिखा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन है तो इसका ऑर्डर हमें पता है क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई ठीक है अब हमें क्या निकालना है इस के की यूनिट निकालनी है कि के की यूनिट क्या होगी रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी तो इधर ऐसे करते हैं के इधर रखते हैं क्या हो जाएगा रेट डिवाइड बाय ए की पावर एक्स बी की पावर वाई रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताई थी यूनिट क्या होती है मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अब ये भी क्या है मोलर कंसेंट्रेशन हैं यानी कि मोल पर लीटर की पावर एक्स और ये क्या है मोल पर लीटर की पावर वाई तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल बाय लीटर x प्लस वाई एक्स प्लस वाई हमें पता है किसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल पर लीटर की पावर n इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास मोल पर लीटर वन माइनस एन एस वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया के की यूनिट निकालने का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकेंड इनमर्स यहां पे एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो देखो के की यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है एन पे डिपेंड कर रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है के की यूनिट तो देखते हैं किस किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास के की यूनिट आती है देखो अगर मैं बात करूं फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन तो यूनिट ऑफ के की बात करें हम मोल पर लीटर वन माइनस वन सेकेंड यूनिवर्स तो वन माइनस वन जीरो जीरो मीन्स ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया वन हो गया तो के की यूनिट क्या आ गई सेकेंड इनवर्स तो हमें हमेशा याद रखना है कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी सेकेंड इनवर्स सेकेंड देखते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू एन की वैल्यू टू हो जाएगी तो देखते हैं के की यूनिट क्या आएगी मोल पर लीटर वन माइनस टू सेकेंड इनवर्स तो यहाँ पे के की यूनिट क्या हो जाएगी मोल इनवर्स सेकेंड मोर इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कोई भी होगी उसके लिए के की यूनिट क्या होगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड अब नेक्स्ट हमने बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू क्या होती है जीरो तो के की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स तो के की यूनिट जीरो रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी मोल पर लीटर या इसको मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स याद रखना स्टूडेंट्स इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार हमें क्या दिया होता है के की वैल्यू दी होती है बकायदा वन पॉइंट टू एट इंटू टेन टू इतनी आगे यूनिट दी होती है और सीधा पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो आप रेट ऑफ रिएक्शन किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स है दैट मीन्स उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा फर्स्ट होगा अगर किसी की ऑर्डर ऑफ जो रेट का जो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट है वो मोल इनवर्स लेटर सेकेंड इनवर्स है दैट मीन्स वो कौन सी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और अगर किसी का जो रेट कॉन्स्टेंट है उसकी जो यूनिट है मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो वो कौन सा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अभी जितना भी आज हमने पढ़ा है रेट लो रेट लो एक्सप्रेशन के बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में के के बारे में इन पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आए तो so स्टूडेंट्स एक बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल देखते हैं पहला पार्ट है हमारा कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन ये पहला हमें आंसर हम देखते हैं कि रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और उससे हमें क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट एक्सप्रेशन हमारा क्या है रेट इक्वल्स टू के ए की पावर हाफ बी की पावर थ्री बाई टू तो हमें पता है सिर्फ क्या करना है इनकी पावर्स को एड ही तो करना है हाफ प्लस थ्री बाई टू कितना ये जो रिएक्शन दे रखी है कौन सी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड देखो रेट क्या दे रखी है ए की पावर थ्री बाय टू तो एन क्या हो जाएगा थ्री बाय टू प्लस में बी की पावर माइनस वन दे रखी है माइनस वन दे रखी है तो एन ओवरऑल कितना हो जाएगा वन बाई टू यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Question, क्या आ एनिक्वेश हाफ तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है इसमें कोई इशू नहीं है थ्री बाई टू वन बाई टू थ्री बाई फोर इस तरीके से आ सकता है तो ये तो पहले पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन क्या है द रिएक्शन ए प्लस बी चेंज टू सी हैज जीरो ऑर्डर रिएक्शन राइट रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी क्या लिखनी है हमें रेट इक्वेशन लिखनी है तो लिख देते हैं रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी जीरो ऑर्डर है दैट मीन्स जो मोलर कंसेंट्रेशन होगी वो जीरो पर डिपेंड करेगी दैट मीन्स ए की पावर भी जीरो और b की पावर बी जीरो इस तरीके से हम करते हैं ये क्वेश्चंस एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट हमें रेट कॉन्स्टेंट दे दिए और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो पहले की यूनिट देखो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स तो याद करने की कोशिश करो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी किसकी थी तो मैंने आपको बताया था ये जो थी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी करके देख लेते हैं कैलकुलेट मोल पर लीटर वन माइनस एन यानी कि टू सेकेंड इनवर्स तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन है इसकी यूनिट क्या आ रही है सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है वही मोल पर लीटर वन माइनस वन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो अकेला क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स होगा ठीक है इस तरीके से आप रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट देख के भी हम क्या बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बड़ा अच्छा है और सिंपल सा है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको देखो क्या क्वेश्चन है द रेट फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए बी एंड सी हैज बिन फाउंड ये रेट कॉन्स्टेंट दे दिया हमें रेट एक्सप्रेशन दे दिया क्या है के ए कंसेंट्रेशन बी की कंसेंट्रेशन एंड सी की कंसेंट्रेशन ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है अब क्या क्या पूछा है कि रेट कैसे चेंजेस होगी फर्स्ट कंसनट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड अगर हम क्या कर दें कंसनट्रेशन ऑफ सी क्या कर दें डबल कर दें तो इस रेट पर क्या फर्क पड़ेगा तो रेट देखो क्या हो जाएगी अगर हम कंसनट्रेशन डबल कर दें यानी कि C से क्या कर दें 2C कर दें तो 2C कर देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगी के A B और ये क्या हो जाएगा 4C का स्क्वायर 4C का स्क्वायर देखो A B C का स्क्वायर तो कॉमन है फोर एक्स्ट्रा आ गया दैट मीन्स क्या हो जाएगी रेट जो हमारी है वो क्या हो जाएगी फोर चार गुना हो जाएगी हमारे पास रेट जो है वो कैसे आ जाएगी फोर टाइम्स ज़्यादा आ जाएगी अगर हम सी की कंसनट्रेशन डबल कर देंगे तो नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ हाफ अगर आप क्या करोगे कंसनट्रेशन ए की कैसी कर दोगे हाफ कर दोगे तो नई रेट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास ए की हाफ का मतलब क्या है के ए बाई टू कर देंगे हम ठीक है बी एज इट इज रहेगा सी एज इट इज रहेगा तो ये क्या हो गया देखो पहले क्या थी ए बी सी की स्क्वायर थी अब क्या आ रहा है वन बाई टू यानी कि रेट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी रेट बिकम्स हाफ ऑफ प्रीवियस रेट हाफ क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी क्योंकि ए की कंसनट्रेशन आधे करने का मतलब क्या है ए बाई टू कर दिया हमने थर्ड देखो कंसनट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल यानी कि कंसनट्रेशन क्या कर दी ए की भी डबल कर दी ए की डबल का मतलब टू ए बी की भी डबल कर दी दैट मीन्स टू बी और सी का स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा के टू ए टू बी सी का स्क्वायर टू ए टू बी यानी कि फोर तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं फोर लिख के अलग वही ए सी का स्क्वायर तो ये भी क्या हो गया रिएक्शन क्या हो गई फोर टाइम्स हो गई प्रीवियस रिएक्शन की प्रीवियस रेट की यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे रेट कॉन्स्टेंट पे होप्स कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच